फाइल संख्या 7B, अध्याय 7, संख्या प्रणालियां, नंबर सिस्टम का शेष भाग। 7.5.2 अपूर्णांक निरूपण, नॉन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। अपूर्णांकों को कंप्यूटर में दो या अधिक बाइटों में स्टोर किया जाता है। सामान्यतया किसी अपूर्णांक को घातों के रूप यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलकर स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक संख्या 1234.56 को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं। इसे घातों के रूप में हम कई प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे 123456 × 10^2 12345.6 × 10^1 1234.56 × 10^0 123456 × 10^1 12345.6 × 10^2 1.23456 × 10^3 0.12345 × 10^4 0.01234 × 10^5 इन सभी संख्याओं का वास्तविक मान समान है, परंतु उन्हें दिखाने का तरीका अलग अलग है। इस तरह के और भी कई तरीके हो सकते हैं, परंतु इनमें से 0.12345 × 10^4 सबसे अच्छा और सरल है, क्योंकि एक तो इसमें कोई पूर्णांक भाग नहीं है, दूसरे दशमलव बिंदु के बाद का पहला अंक शून्य से बड़ा है। किसी संख्या के ऐसे रूप को अपूर्णांक संख्याओं का सामान्य रूप यानी नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। कंप्यूटर में सभी अपूर्णांक संख्याओं को इसी प्रकार सामान्य रूप में बदलकर स्टोर किया जाता है। जब दो अपूर्णांक संख्याओं पर कोई गणितीय क्रिया की जाती है तो परिणाम भी अपूर्णांक संख्या में आता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो परिणामी संख्या भी सामान्य रूप में आए, परंतु कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए उसको सामान्य रूप में होना आवश्यक है। इसलिए उस संख्या के दशमलव बिंदु को आवश्यकता के अनुसार दाएं या बाएं सरकाकर उसे सामान्य रूप में बदल लिया जाता है और उसके घातों को सुधार दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो अपूर्णांक संख्याएं क और ख हैं, जिनके मान क्रमशः 0.342565 × 10^4 तथा 0.26753 × 10^4 हैं। ये दोनों संख्याएं सामान्य रूप में हैं। अब यदि हम क और ख के अंतर की गणना करें तो उसका परिणाम 0.075033 × 10^4 आएगा। ये संख्या सामान्य रूप में नहीं है, क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद का अंक शून्य से अधिक होना चाहिए। इसलिए हम इस बिंदु को दाईं ओर एक अंक हटाकर लगाएंगे और उसी के अनुसार घात को सुधार देंगे। इसका अर्थ है कि इस संख्या को 0.75033 × 10^5 के रूप में स्टोर किया जाएगा। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि ऊपर के उदाहरण में हमने घातों को बराबर माना है, वास्तव में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। कंप्यूटर में गणनाएं करते समय यदि दो संख्याओं के घात बराबर नहीं होते तो आवश्यक होने पर उन्हें बराबर कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी अपूर्णांक संख्या का दशमलव बिंदु स्थिर नहीं रहता, बल्कि आवश्यकता के अनुसार अपना स्थान बदलता रहता है। इसलिए अपूर्णांक संख्याओं को कंप्यूटर के संदर्भ में प्रायः अस्थिर बिंदु संख्याएं यानी फ्लोटिंग प्वाइंट नंबर्स कहा जाता है। हम भी आगे उन्हें अस्थिर बिंदु संख्या ही कहेंगे। अभी तक हमने जिन अस्थिर बिंदु संख्याओं की चर्चा की है वो सभी दशमिक संख्या पद्धति में हैं। परंतु जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कंप्यूटर में सभी संख्याओं को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलकर स्टोर किया जाता है। अस्थिर बिंदु संख्याएं भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा कि स्वाभाविक है, कंप्यूटर में अस्थिर बिंदु संख्याओं को बाइनरी में स्टोर करते समय घातों का आधार भी दो माना जाता है, न कि 10, जैसा कि दशमिक संख्याओं के साथ किया जाता है। वास्तव में कंप्यूटर में इस आधार को स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि गणनाएं करते समय इसका ध्यान रखा जाता है। हम केवल भिन्नांक यानी फ्रैक्शनल पार्ट और घात, इन दोनों को अलग अलग बाइनरी संख्याओं के रूप में स्टोर करते हैं।
बिंदु यानी डॉट को भी स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उसे भिन्नांक भाग के पहले लगा हुआ मान लिया जाता है। कंप्यूटर में एक अस्थिर बिंदु संख्या को स्टोर करने के लिए आवश्यकता के अनुसार 2 से लेकर 8 बाइटों तक का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर पर निर्भर करता है। सामान्यतया ऐसी संख्याओं को 4 बाइटों में स्टोर किया जाता है, जिनमें से पहली 3 बाइटों में भिन्नांक भाग, जिसे मेंटीसा भी कहते हैं, को स्टोर किया जाता है और अंतिम बाइट में घात को स्टोर किया जाता है। दोनों संख्याओं को पूर्णांकों की तरह चिन्ह सहित 2 का पूरक यानी साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसके बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या 0011 1001 1001 0001 1001 0001 1001 0001 1001 0001 2 की घात 1001 को 4 बाइटों में नीचे दिए गए उदाहरण की तरह स्टोर किया जाएगा। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अस्थिर बिंदु संख्याओं के मेंटीसा और घात दोनों के साथ चिन्ह स्टोर किया जाता है। इससे संख्या को ठीक ठीक स्टोर किया जा सकता है। यदि अस्थिर बिंदु संख्याओं के लिए बाइटों की संख्या कम या अधिक निश्चित की गई है, तो ये भी पहले से निश्चित कर लिया जाता है कि कितने बिटों या बाइटों में मेंटीसा स्टोर किया जाएगा और कितने बिटों या बाइटों में घात स्टोर होगा। 7.5.3 वर्णात्मक डाटा निरूपण, कैरेक्टर डाटा रिप्रेजेंटेशन। वर्णात्मक डाटा ऐसे डाटा को कहा जाता है जिसमें कोई भी अक्षर, अंक तथा चिन्ह कहीं भी शामिल हो सकता है। ऐसे डाटा के ऊपर हम कोई गणितीय क्रिया नहीं कर सकते, उसे केवल पढ़ा और छापा जा सकता है। इसके अलावा हम 2 वर्णात्मक डाटा की तुलना करके ये बता सकते हैं कि वो दोनों एक समान हैं या नहीं। वर्णात्मक डाटा को भी कंप्यूटर में बाइनरी संख्याओं के रूप में स्टोर किया जाता है। उस डाटा में जितने भी अक्षर, अंक या चिन्ह होते हैं, उन सबको एक एक बाइट में स्टोर किया जाता है। इसलिए वर्णात्मक डाटा जितना लंबा होगा, उतनी ही अधिक बाइटों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए यदि आप कंप्यूटर में किसी विद्यार्थी का नाम अशोक कुमार स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए निम्न प्रकार 11 बाइटों की आवश्यकता होगी। बाइट संख्या 1 वर्ण ए, बाइट संख्या 2 वर्ण एस, बाइट संख्या 3 वर्ण एच, बाइट संख्या 4 वर्ण ओ, बाइट संख्या 5 वर्ण के, बाइट संख्या 6 यहां वर्ण के स्थान पर खाली स्थान छोड़ा गया है, बाइट संख्या 7 वर्ण के, बाइट संख्या 8 वर्ण यू, बाइट संख्या 9 वर्ण एम, बाइट संख्या 10 वर्ण ए, बाइट संख्या 11 वर्ण आर। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में खाली स्थान यानी ब्लैंक को भी एक चिन्ह माना जाता है। इसे हम स्मॉल बी को काटते हुए स्लैश से व्यक्त करते हैं। इसको भी स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जरूरत पड़ती है। वाचक टिप्पणी, यहाँ बी को काटते हुए एक तिरछी रेखा खींची गई है। इसके बारे में आप अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। आप जानते हैं कि प्रत्येक बाइट में 8 बिटें होती हैं, यानी 8 लगातार बिटों के समूह को बाइट कहा जाता है। प्रत्येक बिट के 2 मान हो सकते हैं, यानी 0 या 1। इसलिए 1 बाइट में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 256 प्रकार की अलग अलग संख्याएं भरी जा सकती हैं। इन बाइनरी संख्याओं का दशमिक प्रणाली में मान 0 से 255 तक हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम बाइट में 256 अलग अलग तरह के बिट समूह या संख्याएं भर सकते हैं। इन 256 संख्याओं में से प्रत्येक को हम किसी विशेष चिन्ह के बराबर मानते हैं, अर्थात जब कभी भी हमें वो चिन्ह स्टोर करना होता है तो हम उसकी बाइट में वही संख्या स्टोर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो संख्या उस चिन्ह का कोड मानी जाती है। इस प्रकार सभी चिन्हों के कोड तय कर लिए जाते हैं और उसी कोड प्रणाली यानी कोडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है। कंप्यूटर में वर्णात्मक डाटा को स्टोर करने की 2 मुख्य प्रणालियां आजकल पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। उनका परिचय निम्न प्रकार है। क, ASCII, ASCII।
इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको संक्षेप में आस्की, जिसका उच्चारण आस्की किया जाता है, लिखा जाता है। ये प्रणाली संसार के लगभग सभी कंप्यूटरों पर प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में अक्षर ए को 01001001 के रूप में स्टोर किया जाता है। इसी प्रकार इसमें सभी अक्षरों, अंकों और चिन्हों के लिए कोड निश्चित किए गए हैं। ये प्रणाली वास्तव में 7 बिटों की है। 8वीं बिट हमेशा खाली अर्थात शून्य रहती है। ASCII, ASCII कोड, अंतिम चार, पहली 4 बिटें, बिटें 00001 00001 01 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
NUL DEL small b 0 at the rate capital P blank small p. अगली पंक्ति 0001 SOH DC1 factorial sign 1 capital A capital Q small a small q. अगली पंक्ति 0010 STX DC2 double inverted comma 2 capital B capital R small b small r. अगली पंक्ति 0011 ETX DC3 pound sign yani hash 3 capital C capital S small c small s. अगली पंक्ति 0100 EOT DC4 dollar sign 4 capital D capital T small d small t. अगली पंक्ति 0101 ENQ NAK परसेंटेज साइन 5 कैपिटल E कैपिटल U स्मॉल e स्मॉल u. अगली पंक्ति 0110 ACK SYN एम्परसेंट साइन 6 कैपिटल F कैपिटल V स्मॉल f स्मॉल v. अगली पंक्ति 0111 BEL ETB सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 7 कैपिटल G कैपिटल W स्मॉल g स्मॉल w. अगली पंक्ति 1000 BS CAN सर्कुलर ब्रैकेट 8 कैपिटल H कैपिटल X स्मॉल h स्मॉल x. अगली पंक्ति 1001 HTEM सर्कुलर ब्रैकेट 9 कैपिटल I कैपिटल Y स्मॉल I स्मॉल y. अगली पंक्ति 1010 LF SUB स्टार कोलोन कैपिटल J कैपिटल Z स्मॉल j स्मॉल z. अगली पंक्ति 1011 VT ESC प्लस साइन सेमी कोलोन कैपिटल K स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल k लेफ्ट ब्रेस. अगली पंक्ति 1100 FF FS कॉमा लेस देन साइन कैपिटल L बैक स्लैश स्मॉल l नॉट साइन. अगली पंक्ति 1101 CR GS हाइफन
equal sign, capital M, square bracket, small m, right brace. अगली पंक्ति, एक 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 शून्य, S O R S, dot, greater than sign, capital N, caret sign, small n, underscore. अगली पंक्ति, एक 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 एक, S I U S, slash, question mark sign, O, underscore, small o, del, D-E-L. नोट, इसमें पहले दो कॉलमों के 32 चिन्ह तथा D-E-L चिन्ह कंट्रोल चिन्ह यानी कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं। इनका प्रयोग उपकरणों को कंट्रोल करने में किया जाता है, इनको छापा नहीं जा सकता। ऊपर की सारणी में सभी ASCII कोड दिखाए गए हैं। इसमें पहली 4 बिटें कॉलमों के रूप में तथा अंतिम 4 बिटें पंक्तियों के रूप में दिखाई गई हैं। किसी अक्षर या चिन्ह का ASCII प्रणाली में कोड जानने के लिए पहले उसके कॉलम के ऊपर की 4 बिटें लिखी जाएंगी, फिर उसकी पंक्ति की 4 बिटों को लिखेंगे। उदाहरण के लिए अक्षर के कॉलम के ऊपर 0100 तथा पंक्ति के प्रारंभ में 1011 लिखा हुआ है, इसलिए के का ASCII कोड 01001011 हुआ। इसको हम षट दशमिक प्रणाली में 4A लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखने की बात है कि ASCII कोड में छापे छोटे और बड़े अक्षरों के कोड अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए छापे की छोटी यानी स्मॉल के का ASCII कोड षट दशमिक में 6A है, जबकि छापे की बड़ी के यानी कैपिटल के का ASCII कोड 4A है। ख, एब्सिडिक, EBCDIC। इस कोड प्रणाली का प्रयोग ज्यादातर बड़े कंप्यूटरों में किया जाता है। इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये प्रणाली मुख्यतः बड़े बड़े कंप्यूटरों में प्रयोग की जाती है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें डाटा को एक भंडारण माध्यम से दूसरे भंडारण माध्यम में नकल या ट्रांसफर करना आसान होता है। यदि किसी डाटा को ASCII प्रणाली में स्टोर किया गया है और उसे ऐसे कंप्यूटर पर चलाना है जो एब्सिडिक प्रणाली का उपयोग करता है, तो पहले हमें डाटा को ASCII से एब्सिडिक में बदलना पड़ेगा। कभी कभी इसका उल्टा भी करना पड़ता है, लेकिन प्रायः इसकी आवश्यकता कम होती है क्योंकि ज्यादातर छोटे कंप्यूटरों पर ASCII प्रणाली ही उपयोग में लाई जाती है। और अब अभ्यास प्रश्न। एक, बाइनरी संख्या में कौन कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं? क 0 से 9, ख 0 से 7, ग ए से जेड, घ 0 1। सही उत्तर है घ 0 1। प्रश्न दो, बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है? क बिट, ख बाइट, ग डिजिट, घ ऑन। सही उत्तर है क बिट। प्रश्न तीन, षट दशमिक संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? क 2, ख 8, ग 10, घ 16। सही उत्तर है घ 16। प्रश्न चार, संख्या 110101 किस प्रणाली में है? क बाइनरी, ख षट दशमिक, ग दशमिक, घ ये सभी। सही उत्तर है घ ये सभी। प्रश्न पांच, कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक पूरक संख्या होती है? क 1 का पूरक, ख 2 का पूरक, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख 2 का पूरक। प्रश्न छह, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। सही उत्तर है क 1। प्रश्न 7, 2 के पूरक रूप में संख्या 0 को किस प्रकार दिखाया जाता है? क 0000000, ख 1111111,
एक एक, ग एक शून्य 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 शून्य, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क, शून्य 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 शून्य। प्रश्न आठ, षट दशमिक का एक अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? क एक, ख दो, ग तीन, घ चार। सही उत्तर है घ चार। प्रश्न नौ, बाइनरी संख्या प्रणाली के तीन अंक किस संख्या प्रणाली के एक अंक के बराबर होते हैं? क बाइनरी, ख अष्टमिक, ग दशमिक, घ षट दशमिक। सही उत्तर है ख अष्टमिक। प्रश्न दस, षट दशमिक संख्या 9a बाइनरी में किसके बराबर है? क एक शून्य शून्य एक एक शून्य एक शून्य, ख एक शून्य एक शून्य एक शून्य शून्य एक, ग एक शून्य शून्य एक 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 शून्य शून्य, घ एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य। सही उत्तर है क एक शून्य शून्य एक एक शून्य एक शून्य। प्रश्न ग्यारह है, षट दशमिक संख्या प्रणाली के अंक सी का दशमिक में मान क्या होता है? क दस, ख ग्यारह, ग बारह, घ तेरह। सही उत्तर है ग बारह। प्रश्न बारह है, निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं के दो के पूरक लिखिए। क एक एक शून्य एक शून्य एक एक शून्य, ख शून्य 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 एक एक शून्य शून्य, ग शून्य एक शून्य 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 एक एक शून्य, घ एक शून्य शून्य एक शून्य एक शून्य शून्य। उत्तर निम्न प्रकार हैं, क शून्य शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, ख एक 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 शून्य एक शून्य शून्य, ग एक शून्य एक 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 शून्य एक शून्य, घ शून्य एक एक शून्य एक एक शून्य शून्य। प्रश्न तेरह, आस्की यानी ए एस सी आई आई तथा एब्सिडिक ई बी सी डी आई सी के पूरे रूप बताइए। उत्तर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। प्रश्न चौदह है, षट दशमिक संख्या प्रणाली में कौन कौन से अंक होते हैं? उत्तर, शून्य से नौ तक। प्रश्न पंद्रह है, निम्नलिखित दशमिक संख्याओं को बाइनरी में बदलिए। क 112, ख 68, ग 93, घ 45। सही उत्तर है क एक 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 शून्य शून्य शून्य, ख एक शून्य 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 एक शून्य शून्य, ग एक शून्य एक 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 शून्य एक, घ शून्य एक एक शून्य एक। प्रश्न सोलह, निम्नलिखित बाइनरी संख्याओं को दशमिक में बदलिए। क एक शून्य एक एक शून्य शून्य, ख शून्य शून्य एक, ग एक शून्य शून्य एक एक शून्य एक, घ एक 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 शून्य शून्य एक एक। सही उत्तर है क 44, ख 25, ग 77, घ 115। प्रश्न 17 है, दशमिक संख्या 21.43 को पहले बाइनरी में बदलकर फिर उसे मानक रूप में लिखिए।
उत्तर 10101, कॉमा 10111, कॉमा 0.10011, 01011, स्टार 2^101। प्रश्न 18 है, बाइनरी संख्या 0011001 को संख्या 01001101 में से 2 की पूरक विधि से घटाइए। अंत में दोनों संख्याओं और परिणाम को दशमिक में बदलकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर 0011010, कॉमा 77-51=26। प्रश्न 19, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अस्थिर बिंदु बाइनरी में निरूपित कीजिए। क 3.452, ख 123.58। प्रश्न 20, शब्द नेहा को आस्की प्रणाली में किस प्रकार स्टोर किया जाएगा। प्रश्न 21, बाइनरी संख्या प्रणाली का परिचय दीजिए। प्रश्न 22, संख्या प्रणाली क्या होती है, बाइनरी संख्या और दशमिक संख्या प्रणालियों की तुलना कीजिए। प्रश्न 23, वर्णात्मक डाटा को कंप्यूटर में निरूपित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 24, अस्थिर बिंदु संख्याओं को कंप्यूटर में निरूपित करने की विधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न 25, पूर्णांकों को कंप्यूटर में निरूपित करने की विधियां कौन कौन सी और कितनी हैं? उनमें कौन कौन सी सर्वश्रेष्ठ हैं और क्यों। प्रश्न 26, अष्टमिक तथा षट दशमिक संख्या प्रणालियों का परिचय देते हुए उनमें अंतर बताइए। प्रश्न 27, दशमिक संख्या को बाइनरी संख्या में तथा बाइनरी संख्या को दशमिक संख्या में बदलने की क्रिया बताइए। प्रश्न 28, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। क आस्की, ख एब्सिडिक। अध्याय समाप्त।